गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। ग्लोबल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बेटा आज हम नई एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। 15.1 और 2 हमने कर ली थी, क्लास प्लस 2 प्रोबेबिलिटी। 15.3 करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर कुछ नए फॉर्मूलेज हैं, नई बातें हैं, उसको डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद उसके कुछ सम डिस्कस करेंगे। तो क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं देखिए, इसके लिए हम कुछ एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। देखिए, कोई मान लो कोई सैंपल स्पेस है हमारे पास, एक कॉइन को 3 बार उछाला है, एक कॉइन टॉस 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर n होता है, यह फार्मूला मैंने बताया, 2 × 2 × 2 × 2 × 8 बनेगी। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 3 हेड हो जाएगी। 2 हेड के साथ 8 को सेकंड नंबर पे लिया है और फिर फर्स्ट नंबर पर। ये हमने सारा 10th क्लास में भी पढ़ा है और प्लस 1 क्लास में भी पढ़ा है। तीनों टेल आ सकती है, 2 टेल के साथ एक हेड लिए, टेल हेड टेल। ये आपके पास 8 के सीक्वेंस बनते हैं, ठीक है। अब मैं 2 इवेंट्स लेता हूं, मान लीजिए ए कोई इवेंट्स है, गेटिंग ए हेड ऑन फर्स्ट टॉस, ओके। बी कोई है गेटिंग ए टेल ऑन फर्स्ट टॉस। ए कोई इवेंट है, हमने हेड लेना है ऑन फर्स्ट टॉस। अगर ए कोई इवेंट है गेटिंग ए हेड ऑन फर्स्ट टॉस, तो देखिए कौन से फेवरेबल केसेस बनेंगे इसमें। देखिए ऑन फर्स्ट टॉस HHH, फर्स्ट टॉस पे हेड आना चाहिए, HHT HTH फर्स्ट टॉस पे हेड, और HTT, ये 4 फेवरेबल केसेस आउटकम्स बनेंगे, ओके। अगर गेटिंग ए टेल ऑन द फर्स्ट टॉस, तो कौन से बनेंगे फेवरेबल केसेस, फेवरेबल आउटकम्स, या कार्डिनल नंबर्स कह सकते हो, HTT, HTH, THT और THH, इसके भी 4 बनेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास ए के फेवरेबल आउटकम्स और ये है बी के। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालू, कुछ भी नहीं, 5 है, या फिर हम कह सकते हैं खाली। अगर 2 कोई इवेंट्स है, उसमें से कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा, देखिए नहीं आ रहा ना, तो फिर वो क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। तो क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जब आपके पास कॉमन क्या हो, 0 हो, नथिंग, 5 हो। तो हमारे पास फिर पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, पी ए प्लस पी बी, ये बन जाता है। क्योंकि पी इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास 0 हो गया ना, तो पी यूनियन बी किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, जैसे गेटिंग ए हेड ऑन द फर्स्ट टॉस, ठीक है, ऐसे रख देते हैं। गेटिंग ए टेल इन, यहां पर मैं चेंज कर देता हूं, लास्ट टॉस, ठीक। इस पर रखा देखिए, जो है वो चेंज हो गई, लास्ट टॉस में जो टेल है HHT, LHT, THT, HTT, चार बजे। अगर आप देखोगे PA की प्रोबेबिलिटी इसमें क्या है, 4/8, यानी कि 1/2, 4 है अपने वेरिएबल आउटकम्स, टोटल 8 है। और बीबी की प्रोबेबिलिटी 4/8, 1/2, और पी ए इंटरसेक्शन बी देखिए क्या आएगा, कितने कॉमन है, एक तो एच ये वाला कॉमन है HTT, और देखिए और कोई कॉमन है HHT, THT, HHT, ये वाला कॉमन हो गया, ओके। 2 कॉमन हो गए, 2/8, 2 × 4, यानी कि अगर हमारे पास पी ए इंटू पी बी अगर आ जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी, तो वो क्या होंगे, ए और बी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। 1/2 × 1/2 और इंटरसेक्शन बी कितना है, 1/4, 1/4 = 1/4। अगर पी इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर हो, तो वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ओके बेटा। तो ये थे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कुछ फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए पहले आप।
इस एक्सरसाइज के बेटा कुछ फॉर्मुलेज हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये फॉर्मुले आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मुले सारे हमारे क्वेश्चन में यूज होंगे। तो मैं रिपीट कर देता हूँ ये फॉर्मुले। सबसे पहले है पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटू पी बी होता है कब, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए नॉट पी बी होता है इफ ए नॉट एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये तभी होता है जब हमारे पास एक कंडीशन और भी लगा देते हैं, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ये ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तभी ए नॉट और बी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। सिमिलरली ये ए इंटरसेक्शन बी नॉट, पी ए इंटू पी बी नॉट होता है इफ ए एंड बी नॉट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यूनियन पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी इक्वल होता है कब, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। पी ए नॉट वन बाय माइनस पी ए नॉट बोलते हैं इसे, मतलब कि किसी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी। वन माइनस पी ए होता है पी बी नॉट, वन माइनस पी बी इक्वल होता है। ये कुछ छह फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, कुछ आपने किए भी हुए हैं सेट के अंदर, तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम सम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पर। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया, नाइन्थ क्वेश्चन है 15.3 का। थ्री कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। तीन कार्ड्स हमने ड्रॉ किए हैं और वन आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का विद और विदाउट रिप्लेसमेंट का मैंने बताया हुआ। विदाउट का मतलब होता है हमने पत्ता द्वारा वापस नहीं रखा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द थ्री कार्ड्स आर स्पेड्स, फर्स्ट टू कार्ड्स आर क्वींस एंड थर्ड कार्ड इज एन ब्लैक एस। तो दो पार्ट्स हैं इसको हम अलग अलग करेंगे। तो इसमें पहले मैंने मान लिया है लेट ए बी सी बी द इवेंट्स ऑफ ड्रॉइंग द स्पेड्स इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो। अगर पहले पत्ते में मैंने स्पेड मतलब हुकुम के पत्ते कितने होते, 13 पत्ते निकाले, टोटल कितने हैं 52, वन बाय फोर आ जाएगा। तो सेकंड में भी मैं क्या निकाल रहा हूँ, स्पेड के पत्ते निकाल रहा हूँ, ठीक है 13/52 1/4। थर्ड में भी 1/4। तो ये जब मैंने तीन पत्ते निकाले तो एक ये एक दूसरे में इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को ये प्रभावित नहीं कर रहे हैं, मतलब इनके कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फिर क्या हो गए, ए बी एंड सी क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 1/64। एक पार्ट और है इसका, फर्स्ट टू कार्ड आर क्वीन एंड थर्ड कार्ड इज ए ब्लैक एस। इसमें मैंने और इवेंट्स मान लिए, पी के और इवेंट्स मान लिए, आप कुछ भी मान सकते हो। बी द इवेंट्स ऑफ ड्राइंग द क्वीन फर्स्ट एंड सेकंड रो, फर्स्ट और सेकंड रो में हमने क्वीन निकाल लिया, क्वीन हमारे पास चार होती है, और थर्ड में हमने एक ब्लैक एस निकाल लिया है। एसेस हमारे पास फोर होते हैं, दो ब्लैक होते हैं और दो रेड होते हैं। तो पहले हम निकालेंगे क्वीन, तो पी के और मान लो एन लिख ली थी एनपी, ठीक है पी ये लिखिए पी की है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दो दो हो जाएंगी। एस मान लो, एस इवेंट्स मान लो, ठीक है तो पी एस क्वीन निकालेंगे तो ठीक है क्वीन है चार, चार बटा वन कट करके कट इन आ जाएगा। और क्या हुआ इवेंट्स में भी हमने क्वीन निकालनी है और आर इवेंट्स में हमने क्या निकालना है, फर्स्ट एंड सेकंड में ड्रा और ब्लैक एसिस वो कितने होते हैं 2/52 26। अब ये तीनों इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंस है, एक दूसरे के कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। तो इंडिपेंडेंस हो गई, लिख लो एस क्यू एंड आर, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो फिर इनमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी या आप लिख सकते हो पी एस इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर क्या होगा, तीनों की मल्टीप्लाई पी एस इंटू पी क्यू इंटू पी आर, इट मीन 1/113 113 126। इसकी मल्टीप्लाई कर लेना पड़ा 13 13 169, और 169 को 26 से करोगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 4394। ओके ये मल्टीप्लाई आप अपने आप कर लेना। कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन और है बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट से। देखिए
रमेश, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया हुआ है तो ध्यान से समझिए। रमेश अपीयर्स फॉर एन इंटरव्यू फॉर टू पोस्ट ए एंड बी फॉर विच सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट, उनकी सिलेक्शन क्या है इंडिपेंडेंट है। रमेश अपीयर हो रहा है इंटरव्यू में, दो पोस्ट है ए और बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज सिलेक्शन फॉर पोस्ट ए, ए के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6 और बी पोस्ट के लिए 1/7। हमने पता करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज सिलेक्टेड फॉर एट लीस्ट वन ऑफ द पोस्ट। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा कैसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज सिलेक्टेड फॉर एट लीस्ट वन की जगह क्या दे सकता है वन ऑफ द पोस्ट, दोनों में से एक पोस्ट को, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो देखिए ए पोस्ट के में सिलेक्शन होने के चांस कितने 1/6 और ए पोस्ट के सिलेक्शन में ना होने के चांस कितने होंगे 1-1/6 5/6 और बी पोस्ट में सिलेक्शन होने के कितने चांस है 1/7 बी पोस्ट में सिलेक्शन ना होने के चांस कितने होंगे 2/7 सॉरी 6 में से 7 में से होंगे 6/7। तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमने पता करनी है, मतलब कि क्या बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही इज सिलेक्टेड फॉर एट लीस्ट वन ऑफ द पोस्ट, क्या करोगे 1-PA0 × PB0। ओके, P0 कितना है 5/6 इंटू 6/7, 6 से 6 कैंसल, क्या आ गया 1-5/7, 7 एलसीएम ले लीजिए 7-5 2/7 आ गया आंसर। ओके, तो होप कि आपको अच्छे से समझ लगी होगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9896561442 पे आप पूछ लीजिए कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो। इसके अलावा हमारे चैनल को जरूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।